खबर बलिया जनपद से, जहां यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद रहे स्कूल आज पहली बार खुले हैं। 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बीते काफी समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, इसलिए सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि स्कूल प्रशासन को महामारी के कारण गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। उसी क्रम में आज बलिया जनपद के तमाम विद्यालयों में देखा गया कि कई विद्यालय ऐसे भी देखे गए जहां बच्चों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिए। खासकर परसदी विद्यालय में चिल्काहार कम अपोजिट विद्यालय व मऊ जनपद का रतनपुरबला के गाना उच्च माध्यमिक विद्यालय पर हर बच्चों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया। वही आज रसा तहसील के अंतर्गत इंदिरा सिंह मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज में जाकर के देखा गया कि कोविड-19 का पूरी तरह से पालन किया गया, चाहे सैनिटाइजर की बात हो या मास्क की या सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उसी क्रम में इंदिरा सिंह मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज के एक शिक्षक से बात की गई, वहां हमें विद्यालय की तमाम बातें जानने को मिली। जी, मेरा नाम सुमित है, सुमित कुमार पूरा नाम है मेरा, और मैं इंद्रासन मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज में एज ए कंप्यूटर टीचर कम कोऑर्डिनेटर के जैसा काम करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार जी, सर आज लगभग 1 साल बाद जी देश नहीं दुनिया कोविड जैसी उजरा तो सरकार ने 1 साल बाद विद्यालय खोली है, तो इसको लेकर के आपको कौन ऐसा लग रहा है अनुभव? सबसे पहले तो मुझे और पूरे विद्यालय परिवार के साथ साथ मेरे बच्चे जितने भी हैं इस विद्यालय परिवार के, उनको इस बात की खुशी है कि उनका पठन पाठन का कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से अब चालू हो रहा है। हालांकि कोविड के तहत जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। डिस्टेंस मेंटेन और जो भी हमारे हैंड सैनिटाइजर के जो भी चीज़ें हैं, मास्क वगैरह जो भी चीज़ें, हम उस चीज़ों का पूरी तरीके से पालन करेंगे। आप हमारी क्लासेस में भी विजिट करके देख सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के बीच में भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और पूरे भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब बच्चों के पठन पाठन कार्यक्रम के ऊपर ध्यान दिया है। हालांकि हमारे लिए खुशी की बात है कि कोविड-19 की वैक्सीन भी आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारा अब बच्चों का जो नुकसान हो रहा था, पूरे 1 साल हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है, तो अब ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके कवर अप कर पाएंगे और इससे हमारा काम जो है, बच्चों की शिक्षा जो है, वो अब धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे बढ़ चलेगी। सर, जो भी शिक्षा लगभग 1 साल से पेंडिंग था, तो उसको लेकर के आप छात्र छात्राओं में कैसी एक आप लोग की क्या है तैयारी की कि उसको आप जल्द से जल्द वो लोग का जो भी कोर्स है उसको आप सही तरीके से अपने पटरी पर ला पाएंगे? जी, कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी सर कि जितने बच्चों का जो ये साल भर का शिक्षण कार्यक्रम बंद रहा है वो सारे सिलेबस को हम कवर अप कर पाएँ। इसके अलावा हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चला रखी थी बच्चों के लिए, जो सब्जेक्ट की क्लासेस थी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस हम ऑनलाइन चला पा रहे हैं। हालांकि हमारा एरिया जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो बच्चे उतने एडवांस नहीं है या पेरेंट्स उतने एडवांस नहीं हो पा रहे हैं कि जिससे ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल पाए। ठीक है, फिर भी हमने लॉकडाउन के दौरान ही यह कोशिश किया है कि बच्चों के कुछ जो हमारा सिलेबस है वो कवर अप किया जाए और बाकी जो बची हुई चीज़ें, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि फिर से शुरुआत से बच्चों की चीज़ें जितने भी सिलेबस हैं उनको समझाते हुए पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो शिक्षा कही जाए, ठीक है, उस तरीके से हम उसको कवर रख पाए, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो सके। सर, आज विद्यालय खुला है तो आपको क्या लगता है कि कोविड को देखते हुए जो भी रूल्स हैं उसको आप लोग कर रहे हैं फॉलो? जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे क्लासेस में आप देखेंगे बच्चे जो भी हमारे यहाँ एंटर हुए हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ सख्त रेगुलेशन है, ये रूल्स हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बच्चे बिना मास्क के एंट्री नहीं ले सकेंगे। बच्चों के साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने क्लासेस में जो भी सैनिटाइजेशन का काम है वो पहले ही करवा चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार
सैनिटाइजेशन का कार्य हर क्लास में होना चाहिए, जो कि हमने पहले दिन ही करा लिया। ठीक है, इसके अलावा आज हम बच्चों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क, जिन बच्चों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड भी किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है बच्चों का। और जो हमारे डिस्टेंस मेंटेनिंग का काम है क्लासेस में भी, और इसके अलावा जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उनके अलावा भी, टीचर्स के साथ भी जो डिस्टेंस मेंटेनिंग का काम है, हम उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें।